फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। मन की बात में उन्होंने कहा कि श्रमिक ट्रेनों के जरिए श्रमिकों को घर जाने में आसानी होगी, इसके साथ स्पेशल ट्रेन हवाई सेवा शुरू की जाएगी, उद्योग धंधों को भी छूट दी गई है और साथ ही 2 गज की दूरी का विशेष ख्याल भी रखना होगा। देश में आई परेशानी को नए नए इनोवेशन से दूर किया गया, सभी इनोवेशन करने वालों का आभार भी जताया। इन तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है। नदियाँ सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रभाव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं, परंपरागत बहुत सरल उपाय है, उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं। 5 दिन कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला, उसे बिगड़ने नहीं देना, हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना। भाजपा जिला महामंत्री मोहन सुराना का क्या है कहना बीकानेर अब तक चैनल के माध्यम से। उनकी बात में मोदी जी ने 3 ऐसे उदाहरण दिए, एक व्यक्ति जिसने 5 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रखे थे, उसने उस 5 लाख रुपयों में कमजोर वर्ग की सेवा में लगा दिया, चाहे उनको भोजन के पैकेट बांटने हो, चाहे उनके खाने के पैकेट बांटने हो। दूसरा एक मोदी जी ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति विकलांग था जो खुद चल नहीं सकता था, अपनी साइकिल पर बैठकर उसने मास्क बनाए और प्रत्येक व्यक्ति को मास्क वितरण किया। उन्होंने कहा मैं सब पूरे भारत के जितने भी सेवा कार्य चले हैं उनको नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो लास्ट में बात कही कि अभी भी कोरोना से और लड़ना है, हमें कोई तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, कोरोना से हम मुक्त हो, इसके प्रयास सबको करने हैं। और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी मोदी जी ने आमजन को संदेश दिया।